हे गाइस, आपका स्वागत है वॉचर एआन के एक और वीडियो में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो गाइस, जैसे कि हम जानते हैं कि सोनी के स्पाइडरमैन स्पिनऑफ मैडम वेब की फिल्मिंग करंटली बोस्टन में चल रही है और इसके कास्ट के बारे में तो क्या ही बोलें। सोनी ने चुन चुन के कास्टिंग की है स्पाइडरवर्स मूवी के लिए। सो स्टार्टिंग से ही हमें ये क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार ये एक्टर्स कौन से स्पाइडरमैन के कैरेक्टर्स को प्ले करने वाले हैं। और फाइनली द कॉस्मिक सर्कस की एक रिपोर्ट से ये रिवील हो गया है कि कौन से एक्टर्स कौन से कैरेक्टर्स को प्ले करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और स्पॉइलर वार्निंग के साथ मैं ये बता दूं कि ये कास्टिंग बहुत शॉकिंग होने वाली है। तो गाइस, लेट्स गेट इनटू इट। तो गाइस, पहले आते हैं लीड एक्ट्रेस डकोटा जॉनसन पे। तो गाइस, कॉस्मिक सर्कस के रिपोर्ट के हिसाब से डकोटा जॉनसन पहली वाली मैडम वेब यानी कैसेंड्रा वेब बनने वाली है। एंड गाइस, आई नो कि रिसेंटली मिले सेट फोटोज देखने के बाद हमें ये लग रहा था कि डकोटा जॉनसन जूलिया कारपेंटर को प्ले करने वाली है। उनका गेटअप ही इतना सिमिलर था। बट जैसे कि हम जानते हैं कि सोनी दिखाती कुछ है और एक्चुअली में होता कुछ है। देन गाइस, अब बढ़ते हैं अगले कास्ट मेंबर सिडनी स्वीनी पे। तो गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से सिडनी स्वीनी ही जूलिया कारपेंटर को प्ले करने वाली है। टेक इसमें भी हम सोच रहे थे कि शायद सिडनी स्वीनी ब्लैक कैट या सिल्वर सेबल को प्ले कर सकती हैं, बट यहाँ वो सेकंड मैडम वेब यानी जूलिया कारपेंटर को प्ले करने वाली हैं। देन गाइस, अब बढ़ते हैं अगले एक्टर एडम स्कॉट पे। तो गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से एडम स्कॉट बेन पार्कर को प्ले करने वाले हैं। एंड आई नो कि ये भी शॉकिंग है। ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि हमें एक यंग बेन पार्कर देखने मिलेंगे एंड वो 20 मिनट के लाइफ स्पैन वाले अंकल बेन नहीं। देन गाइस, अब बात करते हैं एमा रॉबर्ट्स के बारे में। तो गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से एमा रॉबर्ट्स मैरी पार्कर को प्ले करने वाली हैं, यानी पीटर पार्कर की माँ को। एंड ऑल्सो गाइस, रूमर्स के हिसाब से वो मूवी में पीटर पार्कर के साथ प्रेग्नेंट स्टेज में दिखने वाली हैं। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब ये है कि मूवी के एट सम पॉइंट हमें एक यंग पीटर पार्कर भी देखने मिलेगा। देन गाइस, अब पढ़ते हैं अगले कास्ट मेंबर पे। तो गाइस, एक्ट्रेस सेलेस्टे ओकॉनर मैटी फ्रैंकलिन यानी स्पाइडर वुमन को प्ले करने वाली है। एंड आई थिंक ये कुछ लोगों ने एक्सपेक्ट भी किया था, बट इनके सिवा हर एक्टर कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड रोल प्ले कर रहे हैं। ऑनेस्टली गाइस, किसी ने भी नहीं सोचा था कि एडम स्कॉट बेन पार्कर यानी अंकल बेन को प्ले करने वाले हैं। फनी थिंग इज, हम सोच रहे थे कि वो पीटर पार्कर के वेरिएंट बनने वाले हैं। एंड ऑल्सो गाइस, रिसेंटली मिले सेट फोटोज के बाद तो ये भी सुनने मिल रहा था कि वो लैरी कारपेंटर को भी प्ले कर सकते हैं, बट इन दोनों में से कुछ भी नहीं हुआ। एंड ऑल्सो गाइस, रिमेम्बर कि मूवी का एक मेजर पार्ट पास्ट में ही टेक प्लेस करेगा, 2002 और 2003 के बीच। सो हमने जितने भी सेट फोटोज देखे हैं अभी तक, वो मोस्ट प्रोबेबली उसी टाइम पीरियड के ही हैं। पर अगर उस टाइम पीरियड के आसपास एमा रॉबर्ट्स यानी मैरी पार्कर पीटर पार्कर के साथ प्रेग्नेंट थी, तो गाइस ये अब ऑब्वियस हो जाता है कि ये यूनिवर्स टोबी मैग्वायर या एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन का नहीं होगा। 2002 तक तो शायद पीटर पार्कर पैदा ही नहीं हुआ होगा, पर मे बी हुआ भी होगा तो एक या दो साल का होगा। सो गाइस, इसके डेफिनेटली चांसेस हैं कि ये वाला पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड का ही स्पाइडरमैन हो सकता है, क्योंकि स्पाइडरमैन होमकमिंग में ही हमें पता चल गया था कि टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर का बर्थडे अगस्त 10, 2001 को था। सो इसके डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग चांसेस है। एंड गाइस, अगर ये पीटर पार्कर टॉम हॉलैंड का ही है तो इसमें हमें अंकल बेन के बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ था। एंड ऑनेस्टली गाइस, अगर सोनी आफ्टर ऑल यही प्लान कर रही थी, सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी समथिंग। तो गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। एंड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। एंड मैं आपसे मिलूंगा इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड बाय, एंड ऑलवेज स्टे हैप्पी।